आंध्र प्रदेश यूनानी मेडिकल एसोसिएशन की जानिब से चारमीनार दवाखाने में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हलके चारमीनार सैयद अहमद पाशा खादरी और मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की शानदार कामयाबी पर तहनीती तकरीब का अहतमाम किया गया। इस मौके पर यूनानी डॉक्टर्स भी मौजूद थे। आज एपी यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की जानिब से दो मौजूद एमएलए जनाब अहमद पाशा खादरी साहब और जनाब अहमद बलाला साहब दो एमएलओ की तहनीती तकरीब थी। साथ में हमारे यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के एक मेंबर जो असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं डॉक्टर शेख महबूब साहब का आज रिटायरमेंट था। इसी वजह से ये दो प्रोग्रामों के साथ हमारे मौजूद एमएलए को भी इत्तेदे किया गया और आज पूरे आंध्र प्रदेश के यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन मेंबर्स को भी तलब किया गया है। एक मुख्तसर सी एक तकरीब रही जो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रही और हम एपी यूनानी मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन की जानिब से हम लोगों ने दोनों एमएलओ की तहनीत पेश की और साथ में हमारे जो आज के रिटायर्ड होने वाले डॉक्टर शेख महबूब साहब है उनकी भी तहनीत पेश की गई और उनकी खिदमत को सराहा गया। डॉक्टर शेख महबूब साहब असिस्टेंट प्रोफेसर एनाटॉमी डिपार्टमेंट के थे। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में उन्होंने गुज़िश्ता 7 साल से खिदमत अंजाम दे रहे थे, बहुत से खूबी खिदमत अंजाम दे रहे थे और बहुत ही अच्छे और तुलबा बरदारी में मशहूर असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं उन्होंने और पूरे तुलबा जो है उनको इज्जत की नज़र से देखा जाता देखते हैं।